नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। गरीबों के लिए ही खुला यह अस्पताल, बोले डॉक्टर पुनीत। खबर सिवान से, जहां मां शैलपुत्री हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर निशुल्क ऑपरेशन भी किया गया। अभावग्रस्त व गरीबों को विशेष सुविधा यहां पर दी जाएगी। वहीं इस मौके पर मौजूद डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि इस हॉस्पिटल में विशेष सुविधा दी जाएगी, साथ ही साथ यह अस्पताल खासकर गरीबों के लिए ही है, जहां पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल कम कीमत में। इसके अलावा डॉक्टर पुनीत ने बताया कि अन्य कई सुविधाएं भी इस अस्पताल में मौजूद है। कोई भी गरीब व्यक्ति आकर यहां पर अपने इलाज बहुत ही कम कीमत में करा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भी कुछ दिनों बाद से इलाज संभव होगा। देखिए, ये हॉस्पिटल मां शैलपुत्री हॉस्पिटल, ये स्पेशल गरीबों के लिए खुला गया है, क्योंकि अमीर तो हर जगह जा सकते हैं, वो यहाँ भी दिखा सकते हैं, पटना भी दिखा सकते हैं और बड़े बड़े सेंटरों पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन गरीब क्या करता है, वो डॉक्टर के एक खौफ बना हुआ है पैसा का, ठीक है, उन लोगों के लिए स्पेशल सुविधा है। मैं खुद इस ओपनिंग से एक दिन पहले यानी 16 और 17 को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, पटना के बिहार के विशेष प्रमुख सर्जनों द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी किया जा रहा है, इसी सेवा के लिए खुला गया है, ठीक ना। जितना हमसे हो सकता है मिनिमम चार्ज में इलाज होगा। जो गरीब आदमी है, देखिए प्रयास में है कि आयुष्मान कार्ड से भी इलाज संभव हो सके, ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जिला के टॉप हॉस्पिटल बने और गरीबों के लिए स्पेशल सुविधा दिया जा सके। जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, गायनेकोलॉजिस्ट है मैडम, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और नर्स और लकवा का है, और हमारे सर हैं ये डॉक्टर बी सिंह, ठीक है, जनरल फिजिशियन है, एम्स से हैं। 24 आवर इमरजेंसी सेवा। मैं कहूँगा कि एक बार सेवा दिया जाए, और इस सेवा में सबसे मुख्य सहयोग आप लोग की आवश्यकता है, हमें आप लोग ये हमारी सहायता करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की आवश्यकता है, अगर लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, बस आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो हम सेवा करने के लिए आए हैं उसे उसका लाभ ले पाए। डॉक्टर पुनीत राज सिंह, सिवान, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर्स कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर रमेश चौधरी के ठीक सामने। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर बी सिंह, एमडी मेडिसिन। आप टोटल मीडिया के लोगों और यहाँ आए हुए या जो लोग भी आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गरीबों को चिकित्सा प्रदान करने में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो मेडिसिन समय पे मिले और सही प्राइस पे मिले, जांच ऑथेंटिक जो रिक्वायर्ड हो वही हो, जांच ऑथेंटिक रिक्वायर्ड हो वही हो, उसको उसकी इसके लिए हम लोगों ने विशेष पैनल रखा है। जैसे आप जो लोग भी मेडिकल फील्ड से हैं बेटर समझ सकते हैं इस बात को, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ब्लड शुगर, थायराइड, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, टोटल मिलाकर के इन जांचों को करवाने में, अब किसी का पर्सनल मैं नाम नहीं रखूंगा, घुमा फिरा करके कितने क्या करते हैं आई डोंट नो, बट यहाँ गरीबों के लिए ये सारी सुविधाएं मात्र 2000 से 2200 में उपलब्ध हैं, जिसमें ईसीजी है, आपको चेस्ट एक्सरे है, टोटल ब्लड काउंट्स, बॉडी का टोटल ब्लड काउंट, शुगर, थायराइड, सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, आपको लंग्स फंक्शन टेस्ट, सारे चीज़ 2000, वो उसमें भी हम लोग पैनल बैठाने वाले हैं कि इसमें भी कम किया जा सके तो हम लोग करेंगे। पहली बात, जिससे प्राइमरी डायग्नोसिस बंदे का लग सके। दूसरी बात, मेडिसिन आती है,
कम से कम उसका मेडिसिन लिखा जाए और कम से कम रेट में मिले, इसकी भी व्यवस्था हमारे पैनल ने, पैनल वालों ने कर रखा है। ये होगा कैसे? देखिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी अगर ये भावना है कि मेरे कट ऑफ आने चाहिए, चाहे वो लैब वाला कितना हूँ मैं करे, मुझे अगर कट ऑफ आएगा तभी मैं फलाना ढिंकाना चिंकाना टेस्ट लिखूंगा, वैसा यहाँ नहीं होगा। अपनी लैब, अपनी मेडिसिन और अपने डॉक्टर्स, अपनी हॉस्पिटल्स, लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, कीमत भी कम लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ अभी एक एजेंसी आया हुआ है, 550 रुपये में सारे चीज मैंने अरेंज कराया है, एसओ भी, सांस फूलता हुआ मरीज आया हुआ था, माँ साल पुत्री में आप जरूर आए। और हम लोगों का जो ब्लूप्रिंट है, यहाँ से कोई भी जो यहाँ से पटना जाते हैं बीच में पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, यहाँ से गोरखपुर जाते हैं बीच में पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, अगर उस कैजुअलिटी को रोका जा सके तो गलत क्या है। प्लीज प्लीज प्लीज, इमरजेंसी हो एक बार एमएसपी आइए और मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी विल बी हैंडल्ड होगा। इमरजेंसीज हो, हार्ट अटैक हो, पैरालिसिस हो, या कार्डियक प्रॉब्लम हो, या पल्मोनरी प्रॉब्लम हो, सब मैनेज किए जाएंगे और आपकी, आपको घर नहीं बेचने पड़ेंगे, आपको जमीन नहीं बेचने पड़ेंगे। आयुष्मान हम लोग लेने जा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर पुनीत ने बोला था कि हम लोग व्यवस्था करने आए, 100% हम लोग आयुष्मान लेंगे। आयुष्मान जब तक नहीं है तब तक भी किसी भी पेशेंट को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, उसकी घर नहीं बिकेगी, उसकी जमीन नहीं बिकेगी किसी भी ऑपरेशन में। यहाँ तो प्लान है कि 1 साल के अंदर लैब, कैथ लैब जिसमें एंजियोग्राफी हो सके, बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हो सके, वो भी प्लान करेंगे हम लोग। लेकिन अभी इस सेटअप पे जितनी भी तरह की इमरजेंसी हैंडल किए जा सकते हैं, सर्जिकल और मेडिकल दोनों तरह के इमरजेंसी हैंडल किया जा सके, मैं और मेरा टीम ट्राई करें कि यहाँ से के जो लोग कोलैप्स करते हैं नहीं जान पहले,